Hello everyone, this is for the information added to the previous video on one gene, one enzyme hypothesis. पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से बीटल और चेटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली न्यूरोस्पोरा क्रेसा ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए प्रूव किया था. पिछले वीडियो में हमने समझा कि एक जीन जो कि एंजाइम बनाता है और ये एक एंजाइम एक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देता है, यानी कि कोई ट्रेट या कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है. बीटल और टेटम की वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस की नाउडेज कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन वो जीन की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत मस्त था. इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट. आज के कॉन्टेक्स्ट में अब हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि एक जीन से एक एंजाइम ही बनेगा और उस एक एंजाइम से एक कैरेक्टर ही प्रोड्यूस होगा. इसके रीजंस हम देखते हैं. अब हम जानते हैं जीन दैट इज़ डीएनए नॉन एंजाइम प्रोटीन्स भी बनाता है. नॉन एंजाइम प्रोटीन मींस वो प्रोटीन्स जो कि बायो कैटलिस्ट की तरह किसी मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल नहीं करते. हम जानते हैं ये नॉन एंजाइम प्रोटीन्स कई दूसरे फंक्शन करते हैं, जैसे कि एज अ सिग्नलिंग स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फॉर्म करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी काम करते हैं, एंड इट गिव्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी. एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दैट फाइट अगेंस्ट फॉरेन एंटीजेंस एंटरिंग आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी. अभी तक हम कह रहे थे कि एक जीन से एक एंजाइम बनता है, पर हमने देखा है कि अब कई जीन से एक एंजाइम बनता है. एंजाइम यानी कि प्रोटीन. ये प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन से निर्मित नहीं होता, बल्कि ये मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन से निर्मित होता है और इसकी प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन एक सेपरेट जीन से बनी होती है. यानी कि हम कह सकते हैं अलग अलग जीन से अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होना. हम ये भी जानते हैं कि जीन्स यानी कि डीएनए कोडिंग आरएनए दैट इज़ मैसेंजर आरएनए के अलावा कई नॉन कोडिंग आरएनए भी बनाते हैं जो कि किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज नहीं करते. ये नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं रेबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड रेगुलेटिंग आरएनए. हमने ये भी देखा है कि एक जीन कई प्रोटीन्स बना सकता है. इसे अब हम समझते हैं कैसे एक जीन से कैसे कई प्रोटीन्स बन सकते हैं. सो समझने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी दो टर्म से, दैट इज़ एग्जॉन एंड इंट्रॉन. एग्जॉन को हम समझ सकते हैं एज एग्जिट डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इंट्रॉन को समझ सकते हैं हम इन डीएनए, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते. डीएनए या जीन के ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनता है दैट इज़ नोन एज द हेटरोजीनस आरएनए. ये मल्टी एग्जॉनिक आरएनए होता है. इस आरएनए में एग्जॉन्स और इंट्रॉन्स पाए जाते हैं. ये 1, 2, 3, 4 एग्जॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये खाली स्पेसेस इंट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैच्योर आरएनए बनने से पहले इस आरएनए की प्रोसेसिंग होती है. इसमें इंट्रॉन्स हटा दिए जाते हैं और एग्जॉन्स को ऐड कर दिया जाता है. ये प्रोसेस प्लाइसियोसोम में होता है. एग्जॉन्स को ऐड करना और इंट्रॉन्स को हटाना स्प्लाइसिंग कहलाता है. कभी कभी नॉर्मल स्प्लाइसिंग की जगह अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है, जिसमें एग्जॉन्स डिफरेंट सीक्वेंस में ऐड हो जाते हैं, जिससे हमें मल्टीपल एमआरएनएज मिलते हैं. ये मल्टीपल एमआरएनएज कई डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स को बना सकते हैं और इन डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के बनने की वजह से ही हमें नज़र आती हैं वेरिएशंस. तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि अगर हम कहें कि वन जीन वन एंजाइम एंड वन प्रोटीन फॉर्मेशन, सो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक जीन से कई प्रोटीन्स बन सकते हैं. नाउ आई होप दिस मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मोर करेक्टली. थैंक यू.